इतना भाई है। ये देखो जरूरत के सामान, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक लीटर कई रेट चल रहा है कम भैया? डीजल रुकी है इकरानो। अभी राज की याद आ रही है भाई, रियल कह रहा हूँ ना, अभी की बहुत याद आ रही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सब? वेरी वेलकम। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इन मॉर्निंग, सुबह 9 बज रही है और हम उठ गए थे वैसे लाइक 8-8 बजे ही उठ गया था मैं, बट आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इन उदयपुर। हम उदयपुर आ चुके हैं। कल का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं सुबह अर्ली निकला था लाइक 6:30-7 बजे उदयपुर, सॉरी नानसा से उदयपुर के लिए, और 11:30 समथिंग हम पहुँच गए थे, 11:30-12 बजे तक है ना। और क्योंकि बस में हम आए थे, गाड़ी में नहीं आए थे, बस में आए थे और बस में थोड़ा क्राउड था, इस हिसाब से ना तो टाइम मिला मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का। जल्दी जल्दी में उठे स्नान किया और जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि मैं सुबह फिर मैंने लाइक व्लॉग एडिट करके अपलोड भी किया था नेक्स्ट डे वाला, तो समय के पाबंद थे हम लोग और जल्दी से निकलना था क्योंकि आजकल बसों का टाइम बहुत फिक्स रहता है, तो बस भी हमारी लाइक जल्दी थी तो लेट नहीं हो सकते थे ऐसा। सो या गाइस हम आ चुके हैं वैसे उदयपुर में। अभी बना की बहुत याद आ रही है, मामा की याद आ रही है, कल तो बहुत याद आई थी वैसे है ना। कल मैं ऑफिस भी गया था 1 बजे और आज भी जाऊंगा 1 बजे जाऊंगा है ना। एंड वन ऑफ द गुड न्यूज़ विच इज़ ये है कि मैंने आपके साथ ऐसे 2 दिन पहले शेयर भी नहीं की थी कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव वैसे कम हो चुके हैं। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया सब में हो चुके हैं, राजस्थान में भी हो चुके हैं और हम बहुत हैप्पी है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने लाइक पापा हम जा रहे थे तो मैंने रायपुर से पेट्रोल भरवाया था तो वो 105 रुपये समथिंग का आया था। पहले पेट्रोल की प्राइस यहाँ पे थी इन उदयपुर एंड भिलवाड़ा एंड लाइक राजस्थान में तो 109 रुपये पेट्रोल था एंड डीजल भी आई थिंक 98 समथिंग ही होगा, पर अभी क्या नाम है पेट्रोल की प्राइस है 105 इन उदयपुर एंड भिलवाड़ा ऑल्सो वहाँ पे भी, एंड पेट्रोल डीजल की है 91 रुपीज़, तो प्रिटी गुड। और हमारी वैसे डीजल कार है तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये हमारे लिए कि भाई डीजल कार है तो 91 का पेट्रोल भरेंगे और मतलब अच्छे लीटर वाइज भराओ तो काफ़ी बेनिफिट है ना, तो ये अच्छा लगा। थोड़े और प्राइस कम हो जाए, 100 जैसे 91 ये है डीजल है तो जैसे 91 ये पेट्रोल भी हो जाए ना तो बड़ा मज़ा है कि दोनों इक्वल रहे है ना, तो ना पेट्रोल भारी पड़े ना डीजल भारी पड़े ऐसा। तो पेट्रोल गाड़ी लेने का सोचे कोई आदमी तो ले भी सके ऐसा। सो यार गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, हम उदयपुर में हैं और उदयपुर की आज एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस ये देखिए हम उदयपुर में हैं, ओके, और ये उदयपुर की मॉर्निंग, धूप पड़ रही तेज गाइस, धूप थोड़ी तेज पड़ रही है। एक्चुअली क्या है कि कल थोड़ा वेदर थोड़ा अजीब सा था, मतलब थोड़ा ठंडा था। मैं होटल गया था तो शाम को भी मुझे ठंड लगी जाते हुए, बट आज सुबह मतलब धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है ना। सो या वैसे गर्मी आ चुकी है। सो या अभी क्या है कि मैं अभी निकलूँगा बाहर है ना, क्योंकि मेरी बाइक के अंदर एक तो हवा चेक करानी मुझे है ना, एक उसके अलावा कि मुझे फ्यूल अप भी कराना है, ठीक है। तो 1-2 लीटर तेल भरा था यार बाइक के अंदर, बिल्कुल रिजर्व के अंदर पड़ी है यहाँ पे है ना, और गंदी भी हो रही है ऐसा। तो यहाँ निकलते बाहर और गाड़ी में फ्यूल कराते और फिर हमें जाना है मार्केट, सुपर मार्केट यहाँ पास में, और सुपर मार्केट से कुछ सामान भी लेके आना है तो वो भी लेके आएंगे ऐसा ऐसा है ना। सो या अभी राज की याद आ रही है भाई, रियल कह रहा हूँ ना, अभी की बहुत याद आ रही है। उसने कल क्या हुआ था कि होटल में जाने के बाद मुझे उसकी याद आ रही थी, मैंने क्या वीडियो कॉल किया था घर पर, तो भाई वो उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे दी, मतलब वो मामा मामा करके दौड़ रहा पूरे घर के अंदर, ठीक है। उसको पता चल गया मैं हूँ वीडियो कॉल में, ठीक है। तो अब मामा के पास आए, अब फिर वो उनको उसको उसको एक्चुअली बोलना नहीं आता पूरी तरह से, तो वो बोलता है ए दे मीन्स मुझे दे फ़ोन, उनको बात करनी, फिर वो फ़ोन लेके पूरे घर के अंदर दौड़ता रहा और मुझे देखता रहा, पता नहीं क्या ही बोल रहा, मतलब उसकी आवाज़ लैंग्वेज जैसे मैंने 1-2 बार वीडियो में बताई थी वो कैसे बोलता है ए वे करके कुछ भी बोल रहा था एंड मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था ऐसा। तो मतलब उसको भी मेरी वो मुझे मिस कर रहा, मामा बोल रहे थे कि यार जैसे तू गया उसके बाद वो उठा मॉर्निंग में तो मेरे कमरे में जाके बार बार देखे यार मामा मामा मम्म मम्म ऐसे करता है, मीन्स मैं हूँ तो उसके पास उसका मम भी है खाने के लिए, मतलब चॉकलेट्स को मम बोलते बच्चे ऐसा। तो या धूप की वजह से आँखें प्रॉपर नहीं खोल पा रहा हूँ, चश्मा नहीं पहनाना मैं, तो ये लेट है। हाँ सर 1 लीटर भरना अपने, 1 लीटर कई रेट चल रहा है कम भैया? डीजल रुकी है
91। हाय एवरीवन, सो गाइस फ्यूल अप करा दिया मैंने, ठीक है। हवा नहीं भर रही है बिकॉज क्या है कि हवा का जो वाल है इसका वो कुछ ख़राब है पेट्रोल पंप पे। तो कोई नहीं, अभी से हवा सही है मेरी। बाकी क्या है कि मैं जब फ्यूल भरा था तो चेक करा देता हूँ इसको हवा भी, पर अभी सही है। पर क्या है कि हाँ फ्यूल अप हो गया मेरे, ठीक है। एक लीटर ही भरा है मैं, एक एक लीटर से एक एक दो दो लीटर ही भराता हूँ ताकि सही रहता है, एवरेज मेंटेन रहता है और अपने लिमिटेड गाड़ी चलती रहती है, ऑफिस जाना घर आना उससे ज़्यादा नहीं। हेलो एवरीवन, सो गाइस नाम आया अभी शॉपिंग मॉल, एक्चुअली मॉल मतलब ये सुपर मार्केट, कुछ सामान खरीदना है। बहुत सारी वैरायटीज है, तो गाइस वैरायटी तो बहुत सारी, पर ये सब नहीं लेना, कुछ मेन मेन आइटम लेना, नवरी चीज कुछ नहीं। क्या लेना? ठीक है लो ना, ज़्यादा यूज़ कहाँ था। मिर्च पाउडर, रेड चिली, तो हम दो हैं, हमारे तो बहुत लिमिटेड यूज़ आते हैं, उस लिमिटेड यूज़ के हिसाब से ही हम लिमिटेड सामान लेते हैं, है ना, महीने महीने भर का, मतलब जितना महीने में यूज़ करते उससे उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, नेचुरल चीज़ हो या पता नहीं कई चीज़ें हैं, मसाले। सो गाइस अभी तक तो हमने स्नान कुछ नहीं किया, अभी नाना बाकी मेरे, अभी घर पे आके स्नान करेंगे, है ना, बस 10:15 हो रही है। वैसे 1 बजे का टाइम है तो मेरे पास 2-3 घंटे है अभी तक आराम से, इतना कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, ऐसे शॉपिंग मतलब सामान खरीदते हैं निकलते हैं। तो गाइस नमक लिया है, घी लिया है, कुछ दाल वाल ये लेनी थी, ये सब पैकेट मिलते हैं यहाँ पर, वो ले लेते हैं, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं। चलो गन हो गया, ये और लेना हो गया। बिल में गई है ना भाई, ये देखो जरूरत के सामान, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलमोस्ट सभी सामान, सभी तो नहीं, कुछ लिमिटेड सामान लिया है, लिमिटेड लिमिटेड लेना पड़ता है यार, एक साथ सामान ले लेते तो मतलब पता नहीं चलता है कितना जा रहा है कितना नहीं आ रहा है, मैं महीने भर के हिसाब से लिमिटेड ही लेता हूँ, है ना, ऐसा। घर से एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि डांसेस आ गए हम लोग घर से, अब हमारे से वहीं पे अब 2-3 दिन मन नहीं लगेगा यार, 2-3 दिन मन वही रहता है कि भाई रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ऐसा। ठीक है सामान ले लेते हैं फिर निकलते हैं सीधा घर पे, ठीक है। A few moments later, पम्मी बना एक्चुअली स्नान कर चुके हैं और तैयार हो चुके हैं प्रॉपरली, है ना, ऑफिस जाने के लिए, पर ऑफिस जाने से पहले अभी लंच करेंगे हम, और लंच में हमारे पास है वही नानसा वाली जो बाटी बनाई थी हमने, जिसका अच्छा वीडियो बनाया था और आपके साथ शेयर किया था, वही बाटी है गर्मा गर्म, तो वो हम हमारी हम तवे के अंदर फ्राई करके चूर के गर्म करके लेके आ रहे हैं, एंड उससे ज़्यादा दाल अलग से यहाँ पे बनी, वो वाली दाल तो नहीं है, बट हाँ उस दाल बाटी को खाते और फिर लंच सॉरी ऑफिस के लिए निकलते हैं, है ना। तैयार हो चुका हूँ, तैयार तो नहीं मतलब आधा तैयार हुआ हूँ, पूरा तैयार नहीं हुआ हूँ, कपड़े आधे पैंट वैंट नहीं पहनी, चड्डे पहन के बैठे हम लोग, बाकी शर्ट पहन लिया है ना। तो टाइम हो रहा है लाइक 12:20 और 1 बजे हमारे ऑफिस है, तो चलते हैं निकलते हैं, उससे पहले खाना खाते हैं और मैं आपको बताता हूँ खाने में क्या स्पेशल। सो गाइस खाने के अंदर है हमारे पास ये दाल जो भी बनी है, ओके, एंड ये वही बाटी है, ठीक है, ये वही नानसा वाली बाटी है जिसको हमने अलग से चूर के गर्म करके अलग से कर रखा है। इसमें बढ़िया से नींबू वींबू मसल के मतलब इसको मिक्स करके नींबू ऊपर से डाल के खा के खाएंगे तो इसका मज़ा अलग ही है, उसको तवे में फ्राई कर रखा तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है अभी, है ना। सही है, अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलो अंकल नई वीडियो के साथ में, आई होप आपको अभी की वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, तो अपने
चैनल साथ बना रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट जरूर कीजिए अपना अपना कि आपको कैसा लग रहा है ना। तो मिलते हैं कल।